आप देख रहे हैं सोशल और इस वीडियो में हम आपको पांच इंडियन स्पाइज और उनकी रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में बताएंगे। रामेश्वर नाथ काओ, ऑफिशियली नोन एज आर्यन काओ, वो इंसान थे जिन्होंने रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की थी। ही वॉज ओरिजिनली अ स्पाई मास्टर जो आज़ादी के पहले से ही इंटेलिजेंस के फील्ड में काम कर रहे थे। जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर में भारत को हार का सामना करना पड़ा तो काओ ने इंदिरा गांधी को एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग को बनाने का सजेशन दिया था जिसका नाम रखा गया रॉ। कुछ सालों में ही इस इंटेलिजेंस विंग की सक्सेस दिखने लगी और इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारत की जीत में रॉ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। काओ हमेशा से ही मीडिया और लाइमलाइट से बाहर रहते थे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और इंदिरा गांधी के मेन सिक्योरिटी एडवाइजर होने के बावजूद भी उनकी सिर्फ आज तक दो ही फोटोज देखने को मिली हैं। काओ एक बहुत ही सेल्फलेस इंसान थे जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। उनकी जब भी कोई तारीफ करता था तो वो क्रेडिट लेने की बजाय ये कहा करते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, हमारे सोल्जर्स हैं जो सारी प्रेज डिजर्व करते हैं। कश्मीर सिंह, पंजाब के रहने वाले कश्मीर सिंह की कहानी बहुत ही अलग है। 35 साल पाकिस्तान जेल में सजा काटने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कोई रिकग्निशन नहीं दी। कश्मीर सिंह उन जांबाज एजेंट्स में से एक हैं जिन्होंने 35 साल तक जेल में रहते हुए भी कभी कन्फेस नहीं किया कि वो भारत से भेजे गए जासूस हैं। उनका अरेस्ट 1974 में हुआ और उस वक्त इंडियन प्रिजनर्स को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता था। वही सब कश्मीर के साथ भी हुआ और पहले 17 साल तक उन्हें चेन से बांध कर रखा जाता था, पर कोई भी सबूत या स्टेटमेंट ना मिलने के कारण उन्हें 2008 में रिहा कर दिया। अजीत डोवाल, इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवाल इंडियन इंटेलिजेंस की जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का हिस्सा बनाए रखने में भी उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने अंडरकवर रह के मिलिटेंट्स को ज्वाइन किया और चाइना की टेरिटरी में जाके बाकी मिलिटेंट्स का कॉन्फिडेंस भी जीता। मीडिया में उनका नाम तब पॉपुलर हुआ जब 1999 में इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया गया था और अजीत डोवाल ही ऐसे मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो कंधार अफगानिस्तान जाकर टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करके आए। डोवाल पास्ट में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके हैं और एट प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। सरस्वती राजामणि, इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जैसे रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट चलाया करते थे, वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी में यंगस्टर्स को अपने साथ लेकर चलना शुरू किया। वहीं उनकी मुलाकात सरस्वती राजामणि से हुई जो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। उनको सुभाष चंद्र बोस ने एक जासूसी का काम दिया था जहाँ उन्हें एक लड़के के यूनिफॉर्म में जाकर ब्रिटिशर्स के साथ काम करना था। उन दिनों अगर कोई भी लड़की पकड़ी जाती थी ब्रिटिशर्स के हाथ आने से पहले उसे अपने आप को गोली मारनी होती थी। तो एक बार एक लड़की के जिंदा पकड़े जाने पर राजामणि ने एक ऐसा रेस्क्यू मिशन प्लान किया जिसमें उन्होंने अपने आप को एज अ डांसर डिस्गाइज किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ड्रग कर दिया। वहां से भागते हुए उनके पैर पर गोली भी लगी पर वो नहीं रुकी और 3 दिन तक एक जंगल में पेड़ पर जाकर छुप गईं। इस साहसी कार्य को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उनकी बहुत तारीफ की और उन्हें मेडल भी दिया। वाकई सरस्वती राजामणि की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। रविंद्र कौशिक, नोन एज द ब्लैक टाइगर ऑफ रॉ, रविंद्र कौशिक एक डीप कवर एजेंट थे जिन्होंने 23 साल की उम्र में 1975 के दशक में रॉ ज्वाइन की और उन्हें पाकिस्तान मिशन के लिए भेज दिया गया नबी अहमद के नाम से। पाकिस्तान में अंडरकवर रहते हुए उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और पाकिस्तानी लड़की से निकाह भी किया। रविंद्र इतने माहिर जासूस थे कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में दाखिला भी पा लिया और कई सालों तक इंडियन इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन लीक करते रहे। वो कॉलेज के दिनों से ही थिएटर में रुचि रखते थे और उसी वजह से उन्होंने कभी भी किसी को अपनी असलियत नहीं पता चलने दी। पर गलती वहाँ हुई जब 1983 में पाकिस्तानी आर्मी ने एक रॉ एजेंट को गिरफ्तार किया और उसने ही रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। इस चीज़ का खुलासा होने के बाद रविंद्र को 2 साल तक टॉर्चर किया गया और उन्हें लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई। 2001 में रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल में अपनी आखिरी सांस ली। वो टीबी और हार्ट के मरीज थे। उन्होंने आखिरी खत में अपनी फैमिली को लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही सज़ा मिलती है। दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।
हमें उम्मीद है आप इस वीडियो के ज़रिए हमारे स्पाइस और उनकी बहादुरी और सेक्रीफाइस को बेहतर समझ पाए होंगे। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।